इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में साने मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 8 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में साने मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 8 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान जी, बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में साना मॉडल इस्तगासा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए थे वो 8 अक्टूबर तक कैंसिल करने का हुक्म जारी कर दिया। मुश्ताक सुखेरा के भाई की जानब से जो वकील ख्वाजा वसीम और वकील इमरान हमायूं जो है वो अदालत में पेश हुए और अपना वकालतनामा जमा करवाया और अदालत को बताया कि मुश्ताक सुखेरा फैमिली के हमरा उमरा पर गए हैं और 7 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, 8 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। अदालत से इस्तदा है कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो कैंसिल किए जाएं, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुश्ताक सुखेरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो 8 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए हैं। अब 8 अक्टूबर को देखते हैं कि जो है मुश्ताक सुखेरा अदालत में पेश होते हैं या नहीं। और इसके अलावा जो मुकदमा 5/10/14 है जिसमें जो है वो अवामी तहरीक के दो कारकुनान इश्तिहारी मुलजमान थे वो अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की, जो कि अदालत ने इस पर नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।